वहीं राजनीतिक नियुक्तियों में वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त किए गए गोपाल सिंह शेखावत ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में बने कार्यालय में गोपाल सिंह शेखावत पहुंचे, जहां अधिकारियों और समर्थकों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान गोपाल सिंह शेखावत ने कहा कि सरकार ने वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड का जिम्मा उन्हें दिया है। इस बोर्ड में काम करने और वृद्धजनों की सेवा करने के लिए धरातल से काम किया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या बोर्ड के लिए कार्यालय की व्यवस्था करना, प्रदेश में वृद्धजन आश्रम बनाने सहित आम जनता को अधिकार देने का काम किया जाएगा। इस काम में ज्यादा मजा आएगा कि सारा प्रारंभिक काम मुझे ही करना है, क्योंकि राजस्थान सरकार इस मामले में बहुत ही संवेदनशील है। और दो दिन से मैंने ऑफिशियल्स को देख रहा हूँ, ये भी काफ़ी तल्लीनता रखते हैं, तो आने वाले बहुत कम समय में ही हम सारा ये ऑफिशियल स्ट्रक्चर तैयार करके, और जो मूल उद्देश्य इसका है कि ये जो वरिष्ठ जन हैं और उनसे संदर्भित जो लोग हैं, इसमें खाली वरिष्ठ ही नहीं है, बाकी वर्ग समाज का बाकी कई वर्गों का जोड़ने का काम है, तो उसको जोड़ के और उसको एक अभियान बना करके जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे ऐसे लोगों की छटनी करके और ढूंढ ढांड करके लाया जाए कि कौन कौन व्यक्ति प्रताड़ित हैं,